आप सभी लोगों को मालूम होगा कि हमारे देश में आप देखते होंगे कि कई जगह बाढ़ आती रहती है, और कई जगह आप देखते होंगे कि पानी की इतनी कमी होती है कि लोग पानी पीने के पानी के लिए भी तरस जाते हैं। जैसे आप लोग देख लीजिए, मध्य प्रदेश में आप जाइए और आप देखेंगे मध्य प्रदेश में जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है या फिर बघेलखंड का क्षेत्र है, यहाँ आप देखिए कितनी बुरी स्थिति रहती है। वहीं बिहार में आप लोग जाइए, बाढ़ ही आती रहती है। कई नदियाँ आप लोग देखते होंगे जो 12 महीने उसमें पानी बना रहता है, और कई नदियां ऐसी भी रहती है कि आप देखते हैं कि उनमें सूख जाती है। तो मुझे लगता है कि देखिए, एक काम बहुत पहले किया जा सकता था जो आज सरकारें कर रही हैं, कि देखिए जिसमें 12 महीने पानी रहता है जिस नदी में, उसके जरिए आप लोग उन क्षेत्रों तक पानी पहुंचा सकते थे, कहां तक, जहां पानी की कमी देखी जाती थी। और इससे दो फायदे हो सकते हैं, एक तो आप जिस क्षेत्र में बाढ़ आती है उसे भी आप लोग एक तरह से रोक सकते हैं, और दूसरी जगह वहां जहां सूखा पड़ी रहती है, लोग किसान परेशान होते हैं, पीने के लिए लोग परेशान होते हैं, वहां आप लोग पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। और इसी दिशा में एक कदम सरकार ने अभी हाल ही में उठाया है, वो है आपका कैन बेतवा लिंक परियोजना की। अभी हाल ही में क्यों चर्चा में, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, कैन बेतवा नदियों को जोड़ने की परियोजना के वित्त पोषण कार्य और कार्यक्रम कार्यान्वयन को मंजूरी दी है, और इस परियोजना में कैन नदी से बेतवा नदी में जल स्थानांतरित करने की परिकल्पना की गई है। और ये दोनों ही नदियां आप सभी को मालूम है कि यमुना नदी की सहायक नदियां हैं, और यह परियोजना 8 वर्षों में पूरी हो जाएगी। इसके बाद आप देखेंगे बुंदेलखंड का क्षेत्र काफी हरा भरा रहेगा। अभी आप देखते होंगे कि कई रिपोर्टें आपकी जारी की जाती हैं, और सबसे ज्यादा अगर कहीं का सुसाइड किसान आत्महत्या करता है तो वो बुंदेलखंड का किसान रहता है, उसकी हालत बहुत बुरी होती है। यहाँ आप देखेंगे लोगों के पास पानी पीने के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं है, तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति बनी हुई है। तो इसे आप लोग याद रखिए, सबसे पहले तो यही याद रखिएगा कि कैन और बेतवा दोनों नदियां आपकी यमुना नदी की सहायक नदी है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए, आपके स्टेट पीसीएस हो, सिविल सर्विस हो, या आप देखिए और भी एग्जाम होते हैं, इनसे क्वेश्चंस आते रहते हैं इस तरह के। और आप लोग वैसे भी भारत में रह रहे हैं तो मुझे लगता है इस तरह की कोई परियोजना अगर चलाई जा रही है तो उसके बारे में मालूम होना चाहिए। वैसे आपको देख लीजिएगा, यहाँ थोड़ा ये मैप है, आप कह सकते हैं उस परियोजना का, देख रहे हैं आप लोग, कहीं नहीं देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र हो गया, ये उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र हो गया, ये आपकी लिंक कैनाल हो गई, ठीक है, ये बेतवा नदी आप लोग देख रहे हैं, कैन रिवर देख रहे हैं आप लोग, तो इन्हीं को मिलाने की बात की जा रही है, ठीक है। और यह नदियों को आपस में जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परिवेक्ष योजना के तहत पहली परियोजना है। कैन बेतवा लिंक नहर ये 221 किलोमीटर लंबी होगी, और जिसमें 2 किलोमीटर लंबी सुरंग भी आपकी शामिल है, तो इसकी आप लोग लंबाई जरूर याद रखिए, 221 किलोमीटर लंबी देखने को मिलेगी। कैन और अगर हम लोग बेतवा नदी के बारे में बात करें तो कैन और बेतवा नदियों का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में है, और ये आपकी यमुना नदी की सहायक नदियां हैं दोनों। कौन? कैन और बेतवा। कैन नदी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी में मिलती है, जबकि बेतवा नदी आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के जो हमीरपुर जिला है यहाँ आपको देखने को मिलेगी। कौन किस नदी में? यमुना में। ये फिर से आप लोग सुन लीजिएगा, जो कैन नदी है ये आपकी उत्तर प्रदेश के पास बांदा में यमुना नदी में मिल जाती है, और वही जो बेतवा नदी है वो आपकी उत्तर प्रदेश का एक जिला है हमीरपुर, वहां जाके यमुना में मिल जाती है। राजघाट परीक्षा और माता टीला बांध बेतवा नदी पर आपको देखने को मिलेंगे। आपसे एक क्वेश्चन कभी पूछे कि राजघाट पारीछा या फिर माता टीला बांध किस नदी पर है, तो याद रखिए बेतवा नदी पर है। कैन नदी पन्ना बाघ अभ्यारण से होकर गुजरती है, और कुछ इसमें अगर बाधा रही है तो यही बाधा रही है कैन नदी की वजह से, ठीक है। कैन को बेतवा से जोड़ने का विचार अगस्त 2005 में एक बड़ा एक तरह से विचार हो रहा था। इस पर झटका तब लगता है जब केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों के बीच एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। यानी कि सबसे पहले 2005 में आप देखने को मिलेंगे, और आज आप देखिए 2021 गुजरने जा रहा है, इतने समय से लंबित पड़ी हुई थी। वर्ष 2008 में केंद्र ने आप देखेंगे के बी एल पी को एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया था। बाद में इसे सूखा ग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास के लिए प्रधानमंत्री के पैकेज के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था।
और इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 2021 में ही जल शक्ति मंत्रालय और दोनों राज्यों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी हुआ था। और अभी एक बात और याद रखिए, अभी ये परियोजना इसलिए जल्दी मिल रही है, हो रही है, ऐसे स्वीकृति मिलती जा रही है, क्योंकि आप देखिए दोनों राज्यों में लगभग मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, और जब आपकी केंद्र में सरकार रहती है और राज्यों में आपकी सरकार रहती है तो मुझे लगता है कोई प्रोजेक्ट अगर चलाना है उस पर समझौता बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, मेरा ऐसा मानना है, देखिए कोई जरूरी नहीं है। अगर हम लोग इसकी कार्यान्वयन एजेंसी की बात करें तो परियोजना को लागू करने के लिए कैन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण नामक विशेष प्रयोजन वाहन की स्थापना की गई है और अलग अलग लिंक परियोजनाओं के लिए SPV स्थापित करने की शक्तियां राष्ट्रीय नदी अंतराबंधन प्राधिकरण के में देखने को मिलेगी। परियोजना की अगर हम लोग चरण की बात करें तो परियोजना को दो चरणों में एक तरह से चलाया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से चार घटक आपके देखने को मिलेंगे। कितने? अगर हम लोग इसमें पहला चरण देखें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इसमें एक घटक शामिल होगा, दो धन बांध परिसर और इसकी सहायक इकाइयां, जिसमें निम्न स्तरीय सुरंग, उच्च स्तरीय सुरंग, कैन बेतवा लिंक नहर और बिजली घर शामिल रहेगा। अगर दूसरे स्टेज में आप लोग बात करें तो इसमें तीन घटक शामिल होंगे, लोअर और बांध और बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना और कोठा बैराज इसमें शामिल रहेंगे। अगर हम इस परियोजना की अगर लाभ की बात करें, अब आप देखिए अगर प्रॉफिट ना होता, इसके फायदे ना होते तो ये लिंक क्यों की जाती है, ये परियोजना क्यों चलाई जाती है आखिर? तो यह परियोजना बुंदेलखंड में एक सूखा ग्रस्त क्षेत्र है और इसका विस्तार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 13 जिलों में आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ आप देखिए काफी हरा भरा रहेगा। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार इस परियोजना से जल की कमी वाले इस क्षेत्र को अत्यधिक लाभ होगा और इसके अलावा यदि नदी परियोजनाओं को जोड़ने की दिशा में आगे मार्ग प्रशस्त करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जल की कमी देश के विकास में अवरोधक ना बने। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार इस परियोजना से 10.62 लाख हेक्टर की वार्षिक सिंचाई, लगभग 62 लाख लोगों को पीने के पानी की आपूर्ति और 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न होने की उम्मीद है। यानी कि ये तो है इसके फायदे, अब देखिए इसके नुकसान भी है। आखिर भी चुनौतियां या नुकसान कौन से हैं तो उन्हें भी देख लीजिए। इससे सबसे बड़ी तो चुनौती यही कि पन्ना टाइगर रिजर्व का जलमग्न होना, यानी कि जो पन्ना टाइगर रिजर्व आप लोग देखते ना, इसमें पानी के भराव की बात हो रही है। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी के अनुसार दोधन बांध के जलाशय से 9000 हेक्टर का क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा, यानी कि डूब जाएगा, जिसमें 5803 हेक्टर क्षेत्र पन्ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है। पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र का 5803 हेक्टर क्षेत्र डूबने की संभावना है, इसीलिए चिंता इस पर जताई जाती है। और इसे कम करने के लिए 3 वन्यजीव अभ्यारण्यों, नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश रानी दुर्गावती और उत्तर प्रदेश के रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को TTR के साथ एकीकृत करने की बात भी की गई है और विभिन्न मंजूरियों की आवश्यकता भी पड़ेगी। परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न प्रकार की मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक होंगे, जैसे केंद्रीय जल आयोग द्वारा तकनीकी आर्थिक मंजूरी, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं पर्यावरण संबंधी मंजूरी, जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा आदिवासी आबादी के पुनर्स्थापन और पुनर्वास की योजना को मंजूरी। एक तरह से आप देखिए कि इसके जब आप लोग इस तरह की परियोजना ले जाएंगे तो उसके बीच में जो इस तरह के जनजाति या आदिवासी लोग रहते हैं उनके पुनर्वासन यानी कि उन्हें बसाने की भी बात होती है। उन्हें हटाओगे आप लोग तो कहीं तो आपको जगह देने पड़ेगी ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। एक आप देखिए पर्यावरण की, कि आप देखिए आप पन्ना जो आपका टाइगर रिजर्व है ये डूबेगा तो इसमें रहने वाले जो पारिस्थितिकी या वन्य जीव है उन्हें नुकसान होगा, तो उस पर चिंता भी जताई जाती है। और भारत में अगर रिवर इंटरलिंकिंग का इतिहास देखें हम लोग तो औपनिवेशिक अवधारणा, यह विचार पहली बार ब्रिटिश राज के दौरान रखा गया था जब एक ब्रिटिश सिंचाई इंजीनियर सर आर्थर थॉमस कॉटन ने नौवहन उद्देश्यों के लिए गंगा और कावेरी को जोड़ने का सुझाव दिया था। तो आप देखें अगर अंग्रेजों के समय भी इस तरह की सोच रहती थी, लेकिन बस उद्देश्य कुछ और ही था। अंग्रेजों द्वारा अगर शुरू की गई परियोजनाओं की बात करें तो अतीत में कई रिवर इंटरलिंकिंग परियोजना शुरू की गई, उदाहरण के लिए प्रयार परियोजना, जिसके तहत प्रयार बेसिन से वेगई बेसिन में पानी के हस्तांतरण की परिकल्पना की गई थी और इसे 1895 में चालू किया गया था। 1895, समझ रहे हो, अंग्रेजों के समय की बात हो रही। अन्य परियोजनाओं जैसे परिम्बिकुलम अलियार, कुरनूल कड़प्पा नहर,
तेलुगु गंगा परियोजना और रावी ब्यास सतलज भी आपकी शुरू की गई थी। राष्ट्रीय जल ग्रेड की बात करें तो 1970 के दशक में एक नदी के अधिशेष जल को जल संकट वाले क्षेत्र में स्थानांतरित करने का विचार तत्कालीन के सिंचाई मंत्री डॉक्टर के एल राव ने रखा था, यानी जिसमें पानी है उसको दूसरी जिसमें सूख गई है नदी उसमें पहुंचाना। उन्होंने जल से समृद्धि क्षेत्रों में पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पानी स्थानांतरित करने के लिए एक राष्ट्रीय जल ग्रिड के निर्माण का सुझाव दिया था। इस माला नहर को भी आप लोग देख लीजिए। बाद में कैप्टन देनसो जी दस्तूर ने एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पानी के पुनर्वितरण के लिए गारलैंड नहर का प्रस्ताव रखा था। हालांकि सरकार ने दोनों विचारों को आगे नहीं बढ़ाया, सरकार ने इसकी तरफ ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर योजनाओं की हम लोग बात करें तो अगस्त 1980 में सिंचाई मंत्रालय ने संसाधन विकास के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की, जिसमें अंतर्वेसिन जल अंतरण की परिकल्पना की गई थी। और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना में दो घटक शामिल थे, हिमालयी नदियों का विकास और प्रायद्वीपीय नदियों का विकास। और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के आधार पर राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी ने 30 नदी लिंगों की पहचान, 16 प्रायद्वीपीय घटक के तहत, 16 हिमालयी घटक के तहत। और कैन बेतवा लिंक परियोजना प्रायद्वीपीय घटक के तहत 16 परियोजनाओं में से एक आपको देखने को मिलेगी। तो ये कहानी है कैन बेतवा लिंक परियोजना की, और मुझे लगता है कि इस तरह की परियोजनाओं से आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस आएंगे जरूर, तो इन्हें आप लोग याद रख सकते हैं।